रियलमी U1 स्मार्टफोन के साथ रियलमी के कुछ एक्सेसरीज को लॉन्च किया गया था, जिसमें रियलमी केस कवर के साथ रियलमी बर्ड्स को भी लॉन्च किया गया था। ये एक इन ईयर टाइप ईयरफोन्स है। आप देख सकते हैं ब्लैक एंड येलो कलर में आपको जो है रियलमी बर्ड्स का बॉक्स मिलता है। पीछे साइड में यहाँ पे कुछ इसके स्पेसिफिकेशन मेंशन किए गए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है रियलमी बर्ड्स, मॉडल नंबर आपको बताया गया है, आपको ब्लैक कलर में जो ये ईयरफोन मिलता है, स्पीकर साइज बताया गया जो कि 11 mm का है, इम्पीडेंस 32 ohm का दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं साउंड प्रेशर बताया गया है इसका 106 decibel का, फ्रीक्वेंसी रेट आपको इसमें मिलता है 20-20,000 hertz का। MRP यहाँ पे बताया गया 700 रुपये, लेकिन आपको ये ईयरफोन जो है 500 रुपये में फ्लिपकार्ट, अमेजोन और रियलमी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। रियलमी के वेबसाइट पे आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा डिलीवरी चार्जेस का। तो चलिए दोस्तों, इस ईयरफोन को हम जो है ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा है प्राउड टू बी यंग और ग्रे कलर में आपको जो इसके अंदर एक बॉक्स मिलता है, यहाँ पे आपको ईयरफोन दिया गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं। उसके अलावा आपको बॉक्स में मिलता है एक्स्ट्रा ईयर टिप्स और आपको दिया गया है यूजर गाइड। आपको जो एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिलते हैं, वो स्मॉल और लार्ज साइज में है, मीडियम साइज का ईयर टिप्स आपको इसमें लगा के मिलता है। दोस्तों अब हम आते हैं अपने मेन ईयरफोन की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मैग्नेटिक का जो है ईयरबड्स मिलता है, और 500 रुपये में ऐसा कोई भी ईयरफोन नहीं है जिसमें आपको ये मैग्नेटिक का फीचर मिलता है। इसका फायदा ये होता है कि अगर आप इसे ऐसे ही रखते हैं तो आपका जो वायर है मुड़ेगा नहीं, यानी टैंगल वगैरह नहीं होगा, जो कि एक अच्छी बात है। और जो मैग्नेटिक का पावर है वो भी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आपको बैक साइड पर रियलमी का लोगो देखने मिलेगा, नीचे आपको येलो कलर में जो यहाँ पे डिजाइन दिया गया है, यहाँ पे आपको R भी लिखा है, लेफ्ट भी लिखा, यानी ये R एंड लेफ्ट और राइट साइड का जो यहाँ पे इंडिकेशन मिल जाता है। उसके बाद बात करूँ तो आपको जो इसका ईयर टिप्स मिलता है वो 45 डिग्री के एंगल में मिलता है, जो कि परफेक्टली आपके कानों में फिट हो जाएगा और आप जो है अच्छे तरह से सॉन्ग्स का मजा भी ले पाओगे। और जो ईयर टिप्स मिलते हैं उसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है, इसमें आपको येलो कलर का जो पैटर्न मिल जाता है, जो कि आपके ईयरफोन को अच्छा लुक प्रोवाइड करता है। जो ईयरफोन का वायर है वो भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको जो है 3 कंट्रोल के लिए बटन मिल जाते हैं। जो मिडल का बटन है उससे आप जो है कॉल्स को रिसीव, रिजेक्ट, सॉन्ग्स को चेंज वगैरह कर सकते हैं, पॉज प्ले कर सकते हैं। नीचे आपको प्लस माइनस का बटन दिया गया है, जिसके मदद से आप जो है सॉन्ग्स का साउंड को बढ़ा या कम कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर केवलर फाइबर का जो है वायर पर प्रोटेक्शन मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिससे आपका वायर जो है डैमेज वगैरह नहीं होगा और आपका वायर का जो ड्यूरेबिलिटी वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद बात करूँ आपको जो स्ट्रेट लाइन में आपको 3.5 mm जैक मिल जाता है, जो कि आपके किसी भी एंड्रॉयड iOS कोई भी डिवाइस में आराम से जो है आप इसे यूज़ कर पाओगे। आप अगर यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड दिया होता तो एक अच्छी बात होती, सिल्वर प्लेटेड में मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हुआ हूँ। साथ ही ये एल शेप में भी होता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन फिर भी हेडफोन की ड्यूरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है। आपको जो इसका डिज़ाइन वगैरह मिलता है काफ़ी मुझे पसंद आया है। 500 रुपये में आपको एक अच्छा बिल्ड क्वालिटी वाला ईयरफोन मिलता है। तो दोस्तों इस ईयरफोन को मैंने कुछ समय यूज़ किया, मुझे जो है साउंड क्वालिटी अच्छी लगी है, इतना भी मैं ज़्यादा खुश नहीं हुआ, क्योंकि बेस जितना होना चाहिए था, जितना इन्होंने बताया कि 160% इसमें आपको एक्स्ट्रा बेस मिलता है, उतना नहीं है। हाँ, बेस अच्छा है, आपको ट्रिबल वगैरह भी अच्छे मिलते हैं, सॉन्ग्स को आप इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा बेस दिया होता तो काफ़ी अच्छी बात होती। लेकिन 500 रुपये के प्राइस रेंज में ये एक वर्थ इट ईयरफोन है, आप इसे परचेस कर सकते हैं। अगर आपके पास रियलमी का डिवाइस है तो आपको जो है कुछ कस्टमाइजेशन के सेटिंग मिल जाते हैं, जिससे ये ईयरफोन का आप मजा और भी ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप 500 रुपये में इस ईयरफोन को ले सकते हैं, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी ईयरफोन की मुझे अच्छी लगी है। म्यूजिक के मामले में भी, यानी साउंड के मामले में भी ईयरफोन काफी अच्छा है, आप इसे जो है ले सकते हैं। अगर इसको आपको परचेस करना है तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इस ईयरफोन को बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का अनबॉक्सिंग वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय फ्रेंड्स।